हालो जग हालो खरीद ली बाजार में जिसने जाके शराफत खरीद ली बैठे बिठाए उसने समझो शराफत खरीद ली क्योंकि बाजार में हर जहां का सौदा बिक रहा बदले में मोहब्बत के तूने नफरत खरीद ली। सौदा है बिकाऊ तो ग्राहक भी कम नहीं, अपमान तो किसी ने इज्जत खरीद ली, लेकिन उससे बुरा जहान में कोई भी नहीं जिसने ईमान बेच के ये दौलत खरीदी। बिल्कुल सही बात है। गीत बहुत पुराना है, उसको सुनिएगा। क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना हुई है मालूम चला है, तो मैं पहला गीत हनुमान जी के चरणों में समर्पित करूंगा। सुनिएगा, सुनिए आप। भैया चाटी थोड़ा खोल दे, चाटी कम बोलिए। भैया साउंड सर्विस आपका बहुत अच्छा है, बाकी वॉल्यूम सबके बढ़ा दो, बहुत अच्छी मेहरबानी। फिल्मी दुनिया ने कहा, क्या कहा फिल्म वालों ने कि कहीं बिजली चमकती है। कहीं बादल गरजते हमें किसी ओर जाना है। फिल्म दुनिया कह रही है ये तुम जाने या हम जाने। फिर कहा अरे तुम जानो या हम जाने, अरे लोगो तुम्हें क्या है ये तुम जानो या हम जाने। ये किस्सा मेरा इनका है या ये जाने या हम जाने। ये किस्सा मेरा इनका है या ये जाने या हम जाने। फिल्म वालों ने कह दिया कि या वो जाने या हम जाने, बस मेरे गाने में यही बात आ जाएगी कि या वो जाने या हम जाने। हनुमान जी का जन्म हुआ और जन्म के चार कारण मैं बता रहा हूँ, और चारों कारणों में बस यही बात आएगी कि या वो जाने या हम जाने। बहुत अच्छे। जैसे ही हनुमान जी का जन्म हुआ सभी प्रसन्न हो गए, लेकिन सप्तऋषि आपस में बातें करने लगे।
सत्य ऋषि आपस में बातें करके कहने लगे, क्या कहने लगे, हनुमान जी का जन्म हो गया है और स्वयं भगवान शंकर ने जन्म लिया है, इसलिए आपस में बातें कर करके क्या कहने लगे, कि राज त्रिपुरार का कोई भगवान शंकर का राज कोई नहीं जान पाया, राज त्रिपुरार का कोई नहीं कोई जान पाया, कि बजरंग बल शिव आए, इस राज को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान शंकर का जब वीर इसके लिए हुआ था तो सप्त ऋषियों ने एक पात्र में रख करके मां अंजनी मां के कान के मार के द्वारा प्रवेश करा दिया था, ये सप्त ऋषि ही जानते थे, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं, ये तुम जानो ये हम जाने, तुम जानो हम जानो, ये तुम जानो हम जाने, तुम जानो हम जाने, ये शंकर के हैं अवतारी, ये शंकर के हैं अवतारी, या तुम जानो या हम जाने, ये भेद वीर हनुमान का, या तुम जानो या हम जाने, पहला कारण, दूसरा कारण देखें, दूसरा कारण सुनिए आप लोग, अंजनी माँ को देख करके पवन देवता मोहित हो गए, और पवन देवता मोहित हो गए तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई मेरे साथ गंदा कार्य कर रहा है, तो हुआ क्या, अंजनी माँ क्रोधित हो गई, कहने लगी, क्या कहने लगी अंजनी माँ, कुपित हुई अंजनी माई, जो मेरे साथ गलत कार्य कर रहा है, तो हुआ क्या, हुआ क्या, क्या हुआ, कुपित हुई अंजनी माई, किशामत किसकी आई, और जब इतना कहा मैं श्राप दे दूंगी, तो पवन देवता तुरंत आए, वचन ऐसे सुनाए, वचन ऐसे सुनाए, वचन ऐसे सुनाए, पवन देवता हाथ जोड़ करके कह लगे, अरे देवी जो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, इस बात को इस बात को इस बात को सिर्फ ये तुम जानो या हम जाने, ये तुम जानो हम जाने, तुम जानो बलवान सुत होगा, तुम्हें बलवान सुत होगा, ये तुम जानो या हम जाने, बहुत अच्छे, ये भेद वीर हनुमान का, या तुम जानो या हम जाने, बानर था, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक केसरी नाम का दैत्य भी था, और उसने भीषण तपस्या की भगवान शंकर की, हमारे
भैया श्री राजू गुप्ता जी जो कि प्रधान जी हैं उनकी तरफ से 101 रुपए पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत धन्यवाद है, खुद को प्रणाम है। तो देखिए उस असुर ने केसरी नाम के असुर ने भगवान शंकर की तपस्या की, पहले मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी किस्मत में पुत्र नहीं है, तुम्हारी पुत्री को एक पुत्र जरूर बलवान पैदा होगा। उस केसरी नाम के दैत्य की पुत्री हुई अंजनी और अंजनी के पुत्र हुआ हनुमान जी के रूप में। तो सुनिएगा केसरी तुमने शिव से यही वरदान में पाया। क्या पाया? सुता के पति केसरी से पुत्र एक केसरी होगा, पुत्र एक केसरी होगा, एक केसरी होगा। ये इस बात को भगवान शंकर ने कहा उस केसरी दैत्य से, ये तुम जानो या हम जाने, तुम जानो स्वयं धर रूप आऊंगा, स्वयं धर रूप आऊंगा, ये तुम जानो या हम जाने, ये भेद वीर हनुमान का, या तुम जानो या हम जाने, हनुमान जी का भगवान शंकर के रूप में जो पैदा, भगवान शंकर हनुमान के रूप में पैदा हुए उनका चौथा कारण देखे सिर्फ तुम जानो या हम जाने। ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा को श्राप दे दिया कि जा तू ग्रति हो जा। अप्सरा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, मेरी इस योनि से मुक्ति कब मिलेगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें इस योनि में एक कार्य करना है। बोले कौन सा कार्य करना है प्रभु? ब्रह्मा जी ने बताया कि कैकेयी भाग चलो ले गए, अग्निदेव जो हप दे और दशरथ उस हप का जो बंटवारा करें, तो तुम्हें एक काम करना है। बोले कौन सा काम? बोले सुनो, हाँ सुनो, कि कह कई भाग चरुले करे ओ ओले आकाश को जाना, गिरा अंजनी की अंजलि में, गिरा अंजनी की अंजलि में, लौट ब्रह्म लोक को आना, लौट के पुत्र को आया, लौट के पुत्र को आया। ये वो भाग जैसी अंजलि के अंजलि में गिरे तुम्हें उस सांप से मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें ब्रह्म लोक आ जाए। लेकिन इस बात को ब्रह्मा जी कहने लगे, ये तुम जानो या हम जाने, ये तुम जानो हम जाने, तुम जानो या हम जाने। ये स्वयं शिव जी आएंगे, स्वयं शिव जी आएंगे, ये तुम जानो या हम जाने, ये भेद वीर बलवान का, ये तुम जानो या हम जाने, या तुम जानो या हम जाने, ये वीर हनुमान का, तुम जानो या हम जाने, ये तुम जानो या हम जाने, ये तुम जानो या हम
निशानो ये हम जाने ये वेद वीर हनुमान का या तुम जानो ये हम जाने बोले हनुमान जी महाराज की जय फिर से एक बार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ बड़ा धन्यवाद आप लोगों को दूंगी कि आप कैसे भी हिम्मत करके बैठे हैं बिहारी जी को जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपने देख लिया वो सार्थक हो गया कि नाम लक्ष्मी कंडा पाता कंडा नाम मणिलाल मूंगफली बेच समझो बाकी बिहारी जी और क्या अमर हते सो मर गए अमर हते सो मर गए वो धनपत मांगे भी पर जासे तो परसुआ नाम ठीक मैंने अपना गीत गाया था आपने जवाब दिया उसमें इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं थी जिस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया जिस तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया अरे उस तरफ छोड़ो हमारी तरफ देखो पैसा तो आता जाता रहता है और क्या कभी हमारे पास कभी इनके पास इसको तो आना जाना है लेकिन हम जो कह देंगे सत्यमानी ईश्वर की कृपा है वो जरूरी है बाकी भाई जी जो कह रहे हैं वो भी जरूरी है वो सुनिए सुनिए मैंने गीत गा दिया वाली उम्र ने मेरा हाल हो गया बोले औरतों की तो आदत होती है ये होता है वो होता है कल्पना जी आपकी आदत नहीं जा रही बाकी जी क्या कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे घर की बातें मंच पे ला रहे हो हम 65 साल के हैं बताइए क्या दिक्कत है इससे हम ये बताने नहीं आए कि हम किस साल के हैं हम ये बताने आए कि हमने या आपने सीखा क्या है हाथ दो हो गए अभी तक तो ऊपर तक जाएगा जितना खाली है उतना जाएगा हम इतना अरे कम थोड़ी हैं आप लोग इतने में थोड़ी टंगा रहे हमारी आदरणीय किरण जी जो हमारे भाई दीपू भाई जी के श्रीमती जी हैं यानी हमारी भाभी जी मान लीजिएगा और भैया जी की यहाँ ससुराल है अच्छा अच्छा ये 1000 पद मुद्राएं माननीय किरण जी की तरफ से हैं और दीपू भैया अभी थोड़ी देर बाद अपना लाएंगे आओ ले बेटा अभी ये गृह मंत्री जी की तरफ से आया है
आओ ले बेटा। छोटे भैया रिंकू चौहान नियामतपुर उरई, रिंकू चौहान जी नियामतपुर उरई, भैया दीपू चौहान जी के छोटे भाई हैं आपकी तरफ से, ये एक एक 51 पद मुद्राएं हैं भैया को ढेर सारा धन्यवाद है, स्वागत है। क्या बात है, आपने इतने गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया, आई बोली आई, ये क्या है, ये क्या है आई बोली, ये कीर्तन गाने आए हैं आप, तमाशा कर रहे हैं आप, कीर्तन नहीं कर रहे हैं, इसको कीर्तन नहीं कहते हैं, और भी कुछ है कीर्तन में, सीखिए उसको। और क्या, आपकी उम्र इतनी हो गई है लेकिन आपके तहजीब से आपके उससे नहीं लग रहा कि आपकी इतनी उम्र है, ना आप तो पता नहीं कौन सी उम्र के लग रहे हैं, ना बचपन में लग रहे हैं ना बुढ़ापे में लग रहे हैं, ये बीच वाले हैं। थोड़ा बस देख के जवाबी करना कि किससे जवाबी है, ये सब पसंद नहीं है, हम कुछ सुनाने आए हैं। बिल्कुल बेटा, ये सब है सत्य वचन। कि मथुरा पुरी को मथुरा धाम कर दिया, कि कान्हा चाहिए था, जितना हमने गाया उससे आप इतना गा देते तो मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन इतने गलत तरीके से आपने प्रस्तुत किया कि हमको तो शर्म आ रही थी आपको देखते। अरे रजिस्टर छोड़ो, हमारी बिटिया राधा चौहान जी रिंकू भैया की सुपुत्री हैं, आप नियामतपुर उरई, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बाकी भाई जी अच्छे से जवाब भी करिएगा, बहुत आनंद आएगा, आनंद के कई और तरीके भी हैं, ये नहीं है कि हम आप पर और आप हम पर कटाक्ष करें तभी आनंद आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत से तरीके हैं। और क्या, और क्या, संजय भैया भैया रिंकू चौहान जी के सुपुत्र बेबू ठाकुर, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ लो बेटा, सिर्फ ये अच्छी सलाह देने पर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे भैया श्री दीपू चौहान जी के पिताश्री नियामतपुर से आदरणीय श्री रमेश सिंह चौहान जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, पिताजी को हृदय से प्रणाम कर रही हूं, सुनेगा। चौहान के पिता रमेश सिंह चौहान, हमारे भैया दीपू चौहान जी के पिता श्री रमेश सिंह चौहान जी 51 पद मुद्राएं हैं। अच्छा रिंकू भैया जी, क्या बात है, रिंकू भैया जी के पिता श्री रमेश चौहान जी आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, सुनिए सुनिए आपका गीत आया है, कि बिना आप पर कटाक्ष किए गीतों में कैसे आनंद आता है, सुनिए सुनिए आपका फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या कि अरे लोगो तुम्हें क्या है ये हम जाने ये तुम जानो, हमारी बहनें भी आई हैं, सुनिएगा, अरे लोगों
है दद्दा जी की तरफ से, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ये हौसला अफजाई होता है कलाकारों के लिए और पुरस्कार देने वालों के लिए भी। बिल्कुल बच्चे, तुरंत फिर से आए। राज त्रिपुरार का कोई नहीं कोई जान पाया, बजरंग बन शिव आए। तो आप कह रहे हैं ये भेद वीर हनुमान का, ये तुम जानो या हम जाने। जब हम ही तुम जाने तुमको सुनाने क्या आए जो ये कुछ ना जाने। कुछ ऐसा गाइए जो सब जाने। हाँ, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहागे उड़ावन हारी। या तुम जानो या हम जाने। अब हम जाने और तुम जानो ये सवाल आया है, तो हमको जवाब ऐसा लाना चाहिए कि फिर कोई ना जाए। वाह बेटे वाह। राम नारायण मास्टर आदर्शी राम नारायण मास्टर साहब जी बिचौली निवासी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है। एक बात तो हनुमान जी जब पैदा हुए तभी भूख लगी, और दूसरी बात जब माता जी से मिले तब भूख लगी। बोले काहे भूख लग रही, बोले माता जी मेरे स्वभाव में है कि जब पैदा होते तब हमको भूख लगती है। ये है। तो माता जी ने कहा कि अच्छा। बोले हाँ। बोले आज आपने कहा कि पुत्र जाओ मेरा वरदान है, और जब माता आपने पुत्र कहा तो आपके पुत्र को भूख लगी, ये सुंदर फल देख करके भूख लगी। माँ ने कहा कि जाओ जाओ खा आओ, लेकिन ऐसे नहीं खाना। हाँ, कैसे? आप राम जी के चरण हृदय में रख कर के फल खाइएगा। इसका आशय क्या है कि जब आप भक्ति के फल को लेने के लिए जाएं, आदरणीय बाके भैया जी उपस्थित समुदाय से निवेदन है, इसका आशय क्या है? जानकी जी कहती है जब भी भक्ति के फल को लेने के लिए जाएं, तो आप पहले राम जी के चरण अपने हृदय में रख ले, तभी भक्ति का फल प्राप्त होगा। हनुमान जी ने जाकर के फल तोड़े, राक्षसों ने देखा कि कोई वानर आया है, तो राक्षसों ने कहा कि एक दो फल खाएगा खा ले, वैसे ही यहाँ कौन फल खाता है? और क्या? हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही नहीं रहे। फिर हनुमान जी ने रूख उखाड़े, बोले अगर ये पेड़ उखाड़ देगा तो रावण को जवाब क्या देंगे? भैया जी आ गए, मारने लगे। हनुमान जी का युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, रावण के पास पहुंचे। अब जवाब सुनिएगा, यहीं से प्रारंभ कर रही हूँ। सुनिए, रावण के पास पहुंचे, राक्षस पहुंचे और कहने लगे महाराज महाराज आपने जो जो सेना भेजी तो कि सुभट भट मारे महाबत है। Come on!
जैसा चाहोगे सुनेगा। सुनिए, इस यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है और जो सुनेंगे भैया जी सभी से निवेदन है कि सुनेगा जवाब का प्रयास कर रही हूँ। सुनिए, सुभट भट्ट मारे महाभट्ट है तो भागे भैंस दारुण भट्ट है। और जाके कह क्या रहे हैं? क्या सुनेगा? सुनिए, जो पहली बार आया है, जो पहली बार आया है न तुम जानो न हम जाने। पहली बार आया है न तुम जानो न हम जाने। कहूं क्या जाके राजा से, कहूं राजा जी न तुम जानो न हम जाने। राक्षस कह रहे कि अब राजा पूछ रहे तो हम जवाब क्या दे? बोले क्यों? बोले न तुम जानो ना हम जाने। सुनेगा एक जगह और सुनेगा, जवाब की बहुत जगह है ये जी। जब राम रावण का युद्ध होने लगा, जब राम रावण का युद्ध हो रहा है तो रावण ने अनेकों सेनाएं भेजी, लेकिन एक बार रावण ने सोचा कि सारी सेनाएं समाप्त हो रही हैं। रावण ने कहा कि एक बार उस बंदर को पकड़ के ला। और क्या? तो बोले पकड़े कैसे, जितनी सेना जाती है वो सबको मार देता है, उससे कोई लड़ ही नहीं पा रहा है। रावण ने कहा कि आगे से मत जाओ, पीछे से जाओ। हाँ। सैनिक बोले कि महाराज आगे वाले तो जैसे तैसे बच के लौट के आ भी जाते हैं। हाँ। और पीछे जो पूंछ है वो ऐसा लपेटता है कि वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। हाँ। पूंछ में लपेट लेता है, पूंछ में। पूंछ वाले की भारी पूंछ होती है। और क्या? पूंछ तो पूंछ है। सुने, सुने, सुने। तो रावण ने कहा कि अब हम ऐसी सेना भेजेंगे जो समंदर को पकड़ के लाएगी। पर रावण ने विश्वास मानी, अमर सेना भेज दी। वाह, अमर सेना। अमर सेना जैसी पहुंची तो रामा दल में सभी घबराने लगे कि अब ये तो मरेंगे ही नहीं तो क्या करें। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम तो हैं। और क्या, हम हैं ना। बोले ये मरेंगे नहीं। हनुमान जी बोले ना मरने दो, हम तो हैं। और क्या? हमें? बोले क्या करोगे? बोले देखो हम क्या करते हैं। सुनेगा? सुनिए। महाबल का क्या कहना, महाबल का क्या कहना, तो उड़ते लेके अमर सेना। लड़े नहीं, नहीं। हनुमान जी उड़े, उड़े पूंछ में लपेटा। हाँ, पूंछ में बेटा मुकेश। और उड़े, उड़े। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले देखो ऐसा है, हमारे राम जी की एक प्रतिज्ञा है कि निशाचरों से इस धरा पर निशाचरों को नहीं रहने दूंगा। तो बोले हम इनको लेके जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले ये मरेंगे नहीं तो धरती पर रहेंगे भी नहीं। बोले कैसे? कैसे? बोले धरती में एक बल है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जो भी चीज ऊपर फेंकी जाती है वो खींच लेती है अपने तरफ। बिल्कुल। लेकिन इसकी हद कुछ दूर तक है, उसके बाद फिर नीचे नहीं आते। तो बोले कहाँ ले जा रहे हैं? बोले इनको हम ऐसी जगह ले जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बाहर ले जा रहे हैं, ऊपर ही रहे नीचे नहीं आएंगे। सुनेगा? सुनिए। बानर को पकड़ लाई। बोले नहीं। बोले तो सेना मर गई? बोले नहीं। तो बोले बोले गई गई मरी नहीं गई गई बोले कहाँ गई?
संवाददाता रावण से कह रहे महाराज कहाँ गई हमें तो नहीं पता, बोले सुनो, बोले बताओ तो कहाँ गई, बोले सुनो सुनो कहाँ जाके ठहराया, कहाँ जाके ठहराया, न तुम जाने न हम जाने, और कहूँ क्या जाके हाल, कहूँ क्या हाल सेना का, न तुम जाने न हम जाने, कहो क्या हाल सेना का, न तुम जानो न हम जाने, न तुम जानो न हम जाने, न तुम जानो न हम जाने, प्रयास किया है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत मैंने बहुत बड़ा बहुत बढ़िया किया, नहीं मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि कुछ श्रोताओं को आपके जवाब के रूप में और कुछ अपने सवाल के रूप में सुनाते जाएं।